Assalamualaikum viewers, welcome to my Farah's kitchen. आज viewers मैं बना रही हूँ noodles, chowmein, whatever you say. ये मैं बना रही हूँ veggie, corn, vegetables हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और mushrooms हैं और ज़रा traditional भी touch है इसमें, चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ. मेरी अपनी रेसिपी है, बहुत टेस्टी, बहुत यमी, मैंने एक दो दफ़ा पहले भी ट्राई की है. चलें मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने ये आज नूडल्स कैसे बनाई हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. जी माई व्यूअर्स, विदाउट चिकन के जो आज मैं चाउमीन बना रही हूँ या नूडल्स, वो ये हैं. हाफ पैकेट मैंने लिया है और इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और इसमें जाएगा वोस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, और साथ ही सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और इसमें जाएंगे मशरूम्स, ये मैं काट लूँगी, और साथ इसमें जाएगा स्वीट कॉर्न, वेजिटेबल्स, बंद गोभी, शिमला मिर्च, लेमन जूस डालेंगे, और इसमें जाएगा क्नोर क्यूब और गार्लिक 2 क्लॉव मैंने लिए और इन्हें मैंने चॉप कर लिया. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. और इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस. चलिए अब 2 टेबल स्पून मैं कढ़ाई में डालती हूँ और फिर मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. ये मशरूम लिए, इन्हें मैं चॉप कर काट लेती हूँ. हर मशरूम के 3-3 पीसेस कर लेते हैं. ऑयल में लहसुन हो गया, अब इसमें मैं वेजिटेबल्स डाल देती हूँ. जब ज़रा वेजिटेबल्स सौते हो जाएंगी तो फिर इनमें हम डालेंगे अपने कॉर्न और मशरूम्स. वेजिटेबल्स सौते हो गए, अब इसमें जा रहे हैं मशरूम्स. आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं. और कॉर्न है 2 टेबल स्पून. टेबल्स कॉर्न एंड मशरूम सब सौते हो रही हैं, अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे ये हमारा चिकन क्यूब. आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें सॉस डालेंगे, सोया सॉस और वूस्टर सॉस. 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें वूस्टर सॉस, एंड देन वी ऐड सोया सॉस 2 टेबल स्पून. हम इसमें विनेगर ऐड नहीं कर रहे क्योंकि लेमन हम इसमें डाल रहे हैं, उसका जो है फ्लेवर जो है चिकन क्यूब्स के साथ विनेगर का अच्छा फ्लेवर नहीं आता. ज़रा सा फ्राई किया, नूडल्स रेडी हैं. अब इसमें हम अपनी नूडल्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं. अच्छे से मिक्स किया. चिकन क्नोर क्यूब्स में ऑलरेडी काफ़ी होते हैं स्पाइसेस, मतलब जितना हम लाइट चाहिए, और लेकिन मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड की है. और अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ. ये व्यूअर्स, मैं 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा जैसे 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि नूडल्स भी हमने नमक में ही बॉईल की हैं, और साथ जो हमने अपना चिकन क्नोर क्यूब्स डाली है उसमें भी सॉल्ट होता है. अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डाल सकते हैं. जी व्यूअर्स, इसमें हम चाहें तो ये चाट मसाला, मैं 1/2 टेबल स्पून जो है, या 1 टी स्पून आप इसको कह लेंगे, ऐड करती हूँ. इसका बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा. आप चाइनीज़ फ्लेवर तो ट्राई करते हैं, ये वाला भी ज़रूर ट्राई करें. वेजिटेबल, कॉर्न,
मशरूम्स, ऑलिव्स कुछ भी डाल सकते हैं। और अब इसमें जाएगा लास्ट में लेमन जूस, एक लेमन मैंने स्क्वीज किया है। 1 मिनट ओनली कुक्ड, जब नूडल्स फ्राई हो जाएंगी तब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारी वेजी नूडल्स, कॉर्न, मशरूम, वेजिटेबल्स विदाउट चिकन, मज़े का चाउमीन नूडल्स रेडी हैं। चलिए अब इनको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारी वेजी नूडल्स रेडी हैं विद मशरूम एंड कॉर्न। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन बटन दबा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट्स भी ज़रूर दें और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।